हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिसमें जो है समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2021 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें अगर आप टीचर हैं या आप जो है स्टूडेंट है, आप चाहे BSc में हो चाहे MSc में हो चाहे MTech में, और आप जो है कहीं पर इंटर्नशिप करना चाहते हैं 2 मंथ का, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप BSc में या MSc में या MTech आपने किया, या आप कहीं पर भी टीचर हैं, आप कहीं किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और आप जो है रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आपको के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो कि SRFP ने लाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइंस एकेडमी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जो अनाउंस किया गया 2021, तो यहाँ पे देखिए आपको 2 मंथ का समर इंटर्नशिप मिलेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे लाइफ साइंस, अर्थ, प्लानिटरी एंड इंजीनियरिंग, तो ये सारे सब्जेक्ट आप मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने BSc या MSc किया, या अगर आपने जो है MTech किया है और आप जो है रिसर्च में जो एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर स्कैन करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे UG PG स्टूडेंट और टीचर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको 12,500 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलेगा, वहीं अगर आप टीचर हैं तो आप जो है यहाँ पे आपको 18,750 रुपीज़ का जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे वेन्यू जो है वो ऑल ओवर इंडिया जो है जितनी भी लैब्स हैं, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, चाहे केमिस्ट्री से, लाइफ साइंस से, तो आपको मौका मिलेगा किसी भी लैब जाने का। ठीक है, तो ये वेन्यू देखिए मेंशन कर रहा है लैब अक्रॉस इंडिया, तो इंडिया में जितनी भी लैब्स हैं इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहां पे आपको चांस मिल सकता है अपना 2 मंथ का इंटर्नशिप करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसे भरना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा www.is.ac.in, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है IAS.ac.in, जहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको करना क्या है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे दिया दिखेगा है समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2021, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो है ऑफिशियल जो ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन करने का जो लाइक वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, ना मार्कशीट्स की ना एप्लीकेशन की। ठीक है, इन्होंने मेंशन कर रखा है प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट और एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको जो है यहाँ पे अपना अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया जो है मेंशन कर रखा है, चाहे BSc, B फार्मा, BE, BTech, BCA, MS, MSc, MSc, डुअल डिग्री अगर आपके पास है, BTech प्लस MTech, BS प्लस MS, BE प्लस MSc, या अगर आप MTech फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हैं तब भी जो है आप तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए लास्ट डेट जो मेंशन कर रखी है वो 30 नवंबर 2020, तो अभी भी ऑलमोस्ट 8 डेज लेफ्ट है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है अगर आप टीचर हैं या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तब भी जो आपको यहाँ पे जो है चांस है कि आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मेंशन किया PhD स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल, अगर आप PhD स्टूडेंट हैं तब आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया अगर आपने जो है ये जो IAS का जो एकेडमिक फेलोशिप है अगर आपने 2 बार ले लिया है तो इसके बाद आप 3री बार जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको राइटअप लिखना है एक हाइपोथेसिस टाइप, तो 150-250 वर्ड की होनी चाहिए। अब उसी एरिया में आपको लिखना है जिसके लिए आप जो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ साइंस में अप्लाई कर ले तो लाइफ साइंस में कोई भी आप एक टॉपिक लेके उसके ऊपर अपना जो है 150-250 वर्ड्स का जो हाइपोथेसिस है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो है अपना स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं, या अगर आपका कोई हाइपोथेसिस या थ्योरी है तो आप वो भी किस थ्योरी पे आप करना चाहते हैं काम, या आपका हाइपोथेसिस क्या है और क्या आप जो उस हाइपोथेसिस को है एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो कंफर्म करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप अपने राइटअप में लिख सकते हैं। बट आप यहाँ पर कभी भी कोई भी रिसर्च पेपर से आप कोई भी कॉपी पेस्ट मत करिएगा, ये एक इलीगल थिंग है, ये अनएथिक्स में आता है। तो आप अपना दिमाग लगा कि आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट हैं, जिस टॉपिक में इंटरेस्ट हैं, तो उसके आप थ्योरी या हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं, या आपको अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक पे करना है तो वो भी जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने जो भी आप हाइपोथेसिस सिनॉप्सिस देंगे तो इसमें आपको कोई भी स्पेशल या साइंटिफिक कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है,
तो देखिए इसके बाद इन्होंने बोल रहा है इनक्लोजर, तो बोथ स्टूडेंट टीचर एप्लीकेंट मस्ट अपलोड स्कैन, तो आपको स्कैन वर्जन अपना 10th से लास्ट जो भी एग्जामिनेशन आपने दिया है तो वो सारा जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अगर वहीं अगर टीचर, अगर आपने कोई भी टीचरों ने अगर कोई भी जो है अपना पब्लिकेशन जो पब्लिश किया है तो वो अपना पब्लिकेशन भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पे, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे, देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप टेलीफोन नंबर यहाँ मेंशन कर रखे हैं, साथ ही साथ जो ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन कर रखा है तो आप इससे जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और आप अगर अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पे बस क्लिक करिए, क्लिक हियर टू रजिस्टर, जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ही पे क्लिक करिए, अगर आप टीचर हैं तो टीचर पे क्लिक करिए, और साथ ही साथ अगर आप जो है लाइफ साइंस में सपोज अप्लाई करना चाहते हो तो लाइफ साइंस पे क्लिक करिए, उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप देखिए फिर सेलेक्ट द सब एरिया अंडर लाइफ साइंस, तो आप इसके अंदर जो सब एरिया मेंशन कर रखा है जैसे एनिमल साइंसेज में, प्लांट साइंसेज में या बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट आपको करना है। ऐसे करके जो है आपको पूरा इस टाइप का जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, तो इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जो है सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा उसके बाद जो है शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा, अगर आपका जो हाइपोथेसिस है ये तो वो अगर अच्छा है और आपने अच्छे से लिखा है तो अगर वो जो है जो भी इसका जो सिलेक्शन करेंगे अगर उन्हें पसंद आता है तो वो आपका नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, और बाद में आपको जो है ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस IAS समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2021, ठीक है। तो अगर आपको और भी कोई भी डाउट है इस फेलोशिप प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।